हेलो एवरीवन, आज हम व्याकरण में पार्ट तीन संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो संधि देखिए क्या है कि संधि का अर्थ है मेल। मेल यानी कि दो चीजों को मिलाना, है ना। ये मेल कुछ नियमों के आधार पर होता है, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, जगत प्लस ईश जगदीश, कवि प्लस इंद्र कवींद्र, है ना। कैसे बुक में है आपके, आपने देखा कि किस तरह से विद्या प्लस आलय विद्यालय, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, जगत प्लस ईश जगदीश, कवि प्लस इंद्र कवींद्र। तो देखिए, हाँ, पहले यहाँ पहले शब्द के अंतिम ध्वनि वर्ण दूसरे शब्द की पहली ध्वनि को प्रभावित कर रही है, जिसके कारण परिवर्तन हो रहा है और एक नया शब्द बन रहा है। ये परिवर्तन संधि के कारण है और एक सार्थक शब्द की रचना कर रहा है कि दो शब्दों के मिलाने से विद्या और आलय दोनों को मिलाया। विद्या का मतलब होता है हम जो विद्या ग्रहण करते हैं विद्या, और आलय यानी कि भवन। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं और इनको जब मिलाते हैं तो एक नया शब्द बनता है और नया अर्थ होता है विद्या का आलय विद्यालय। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि संधि के कारण यह परिवर्तन किसके कारण है, संधि के कारण हो रहा है और एक सार्थक शब्द की रचना सा कर रहा है। सार्थक यानी जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, ऐसे शब्द की रचना कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो विकार परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। विकार मीन्स परिवर्तन, कि दो वर्णों के मेल से जब एक परिवर्तन आता है तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पुनः पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद का शाब्दिक अर्थ है मेल से बने हुए शब्दों को पुनः अलग अलग करना। संधि करना तो क्या होता है, मिलाना, और संधि विच्छेद, विच्छेद यानी अलग करना, है ना। तो जैसे हमने विद्यालय को मिला दिया तो संधि हो गई, है ना, और हमने उसको विच्छेद कर दिया विद्या प्लस आलय। जैसे कि आप देखिए, ये तो हो गया संधि करना। संधि करना जैसे ये मान लो विद्या प्लस आलय शब्द लिखा हुआ है और हमें कहा गया है इसका इसकी संधि कीजिए, तो संधि का मतलब होता है मिलाना। तो हम क्या लिख देंगे, संधि कर देंगे इसकी विद्यालय, क्या कर देंगे विद्यालय। अब इसमें से देखो आ हट गया ना, और आ की मात्रा इधर लग गई है। ठीक है, और इससे एक नया शब्द बन गया है, परिवर्तन आना, इसी को ही कहते हैं। ठीक है, तो विद्या प्लस आ हट के इधर आ की मात्रा लग गई है और ये विद्यालय बन गया है। और अब अगर हम ये कहा जाए कि विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद कैसे होगा, विद्या प्लस आलय, है ना, क्या होगा विद्या प्लस आलय। आगे समझ में, कि ये तो होता है संधि करना कि इसका संधि कीजिए, तो संधि हम ऐसे करेंगे, और इसका संधि विच्छेद कीजिए तो संधि विच्छेद ऐसे होगा। मिलाना संधि करना होता है, अलग अलग करना क्या होता है, विच्छेद करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि देवेंद्र, देवेंद्र का हमें संधि विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे हम, देव प्लस इंद्र, है ना, तो क्या बन जाएगा देवेंद्र, है ना। उसी तरह से नयन तो कैसे बनेगा, ने प्लस अन नयन, तो ये संधि विच्छेद हो गया। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, अब ये सब संधि विच्छेद हैं। और अगर हम कहेंगे कि इनकी संधि कीजिए, है ना, तो संधि कैसे करेंगे, देवेंद्र, कैसे लिखेंगे, देवेंद्र। ठीक है, और नयन है तो नयन, और देवर्षि है तो देवर्षि, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो है संधि, और ये हो गया संधि विच्छेद, है ना, तो ये हो गया संधि विच्छेद। आगे समझ में, अब देखिए हम अब आगे पढ़ते हैं कि संधि के भेद, कि संधि के भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं,
संधि के तीन भेद होते हैं, मास्क संधि के तीन भेद होते हैं, ठीक है। एक तो होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि, है ना। तो देखिए, दो स्वरों के मेल से शब्दों में जो विकार आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। कि स्वर संधि क्या होती है, अब हमने देखो संधि के कितने भेद पड़े हैं, हम ये देखिए कि संधि के तीन भेद हैं, ठीक है ना। संधि के तीन भेद हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। तीन तरह की संधि होती है, ठीक है। संधि तीन तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि, स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए स्वर संधि क्या होती है, डेफिनेशन है इसमें, दो स्वरों के मेल से शब्दों में जो विकार आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रमेश, है ना, दो स्वरों के मेल से शब्दों में जो विकार आता है। अब स्वर संधि में क्या होता है, स्वर होते हैं, आपको मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो अ से ओ तक 11 स्वर होते हैं और बाकी क से ज्ञ तक सब व्यंजन होते हैं, है ना। और ओ औ क्या होते हैं, ओ औ अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि स्वरों का मेल होगा, समझ रहे हो ना। स्वर और व्यंजन अलग अलग पढ़े थे हमने, यहाँ पे जब हम स्वर विच्छेद करेंगे और या फिर मिलाएंगे तो स्वरों का मेल होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए रमेश है, ठीक है, तो यहाँ पे रम प्लस अ, है ना, सॉरी आ, है ना, रम प्लस आ, ठीक है। फिर आ, फिर प्लस ईश, अब देखिए आप तो बनेगा ये रमेश, है ना। रम प्लस आ, रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, रमा प्लस ईश, ठीक है। अब हमने ये इसलिए दिखाया है कि अगर हम म में से स्वर अलग करते हैं रमा, तो रमा में से आ सुनाई दे रहा है हमें, तो वो स्वर है ना। रमा, रम प्लस आ, रमा, है ना, तो ये आ स्वर है, ठीक है। और इधर ईश, ई भी क्या है, स्वर है, स्वर में आता है ना ई भी, तो दोनों के मेल से क्या बन गया है, रमेश। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, दोनों स्वरों के मेल से क्या बन गया है, मे, है ना, रमेश। तो जहां पे दो स्वरों का मेल होता है वहां पे स्वर संधि होती है, आगे समझ में। इसी तरह से देखिए, देखिए आप पीतांबर, ठीक है, तो पीतांबर में पीत प्लस आ, पीता, है ना, आ है इसमें, पीत प्लस आ, पीता। अगर हम इसे एक साथ लिखेंगे तो इसे लिखें पीत, पीता प्लस, है ना, पीत, सॉरी पीत, तो पीत प्लस अंबर, इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है। तो पीत प्लस अंबर, है ना। अब पीत में अ सुनाई दिया और ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, ठीक है, ये भी स्वर है और वो भी स्वर है। तो दो स्वरों के मिला मेल से एक जो शब्द बना पीतांबर, क्या बना, पीतांबर। अंबर, आ आ अम बना, है ना, दो दो स्वरों के मेल से जब दो स्वर मिल जाते हैं जहां पे, वहां पे स्वर संधि होती है, ठीक है। अब देखिए आप कि स्वर संधि के भी बहुत सारे भेद होते हैं, है ना, अलग अलग हमें पढ़ने के लिए देखेंगे हम कि स्वर संधि के भी कई सारे भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भेद हैं, देखिए
इसके स्वर संधि के भी भेद हैं, कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि है ना, गुण संधि, फिर है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। इसके भी कितने भेद हैं? स्वर संधि के पांच भेद हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि के पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये इसके भेद हैं, ठीक है, किसके? स्वर संधि के। तो दीर्घ संधि क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि क्या है। तो देखिए दीर्घ संधि क्या है, जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। देखिए जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कल पढ़े थे हमने, है ना, कि जिनमें बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर और जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे लिखा है जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व स्वर या दीर्घ रूप आता है, यानी कि उसी का ही ह्रस्व या दीर्घ रूप आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो देखिए कैसे, कौन कौन से हैं, जैसे दीर्घ संधि में देखिए अ प्लस अ बराबर आ, आ है ना, जैसे अ ये भी ह्रस्व स्वर है ना, ये भी ह्रस्व स्वर है, दोनों ही ह्रस्व स्वर के हैं, मिलके क्या बन गया, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ संधि हो गया, है ना। उसी तरह से ये क्या है, ह्रस्व स्वर और ये क्या है, दीर्घ स्वर, दोनों मिलके क्या बन गए, दीर्घ स्वर, है ना, ठीक है। और इसी तरह से ई में भी होता है कि मान लो ई ह्रस्व स्वर और ई ह्रस्व स्वर बन जाएगा, ये मिलके क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर बराबर दीर्घ स्वर, फिर दीर्घ स्वर बराबर दीर्घ स्वर, है ना, इस तरह से होता है ये, ठीक है। तो अगर ये मात्राएं मिल जाती हैं छोटी की, जैसे राम अवतार है ना, तो राम प्लस अवतार, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा राम अवतार, तो राम है ना प्लस अ लगेगा तब ये राम बनेगा, ठीक है, तो ये स्वर आ गया एक, है ना, राम प्लस अवतार, तो ये भी स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर, और ये भी ह्रस्व स्वर, है ना, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर, राम अवतार, तो क्या बन जाएगा, देखिए राम अवतार, राम अवतार, ठीक है, दोनों मिलके दीर्घ स्वर हो गया। उसी तरह से देखिए आप, जैसे कि रविंद्र, ठीक है, तो ये रवि है, ठीक, रवि, तो इसमें कौन सी आएगी, अगर हम यहाँ पे मात्रा नहीं लगाएंगे रवि में, है ना, रवि प्लस इंद्र, सॉरी रवि प्लस इंद्र बराबर क्या बनेगा, अब देखिए इसमें रवि, तो व, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, व प्लस छोटी ई, है ना, तो छोटी ई है इसमें, स्वर सुनाई क्या दे रहा है हमें, रवि, है ना, ई छोटी ई सुनाई दे रहा है ना, रवि छोटी ई सुनाई दे रहा है प्लस छोटी ई है, तो दोनों मिलके, है ना, वर्ण विच्छेद अगर हम करते हैं तो व प्लस ई से रवि बना है, तो ये जो ई और ये ई मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ई, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, बड़ा ई बनने के बाद रविंद्र, है ना, यहाँ तो छोटी ई की मात्रा है लेकिन दोनों ई मिलके बड़ी ई बनी है, दीर्घ संधि हुई है, तो यहाँ पे रविंद्र दीर्घ संधि के कारण ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी और रविंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए कि रजनीश, तो रजनी प्लस ईश, तो मिलके रजनीश हो जाएगा, यहाँ भी बड़ी ई है
है ना, अगर हम ना प्लस बड़ी ई, इसका वर्ण विच्छेद किया हमने ना का, तो ना प्लस बड़ी ई हुआ, तो क्या हुआ बड़ी ई और बड़ी ई है ना, दोनों मिलके भी बड़ी ई की मात्रा लगेगी, रजनीश। ठीक है, इस तरह से ये दीर्घ संधि हुई। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का अगर पहले है और प्लस के बाद भी और ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर है तो वो क्या बन जाता है, दीर्घ संधि बन जाती है। ठीक है, अब देखिए गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि जब अ आ के बाद ई ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, जाता है। ठीक है, क्या है कि गुण संधि में क्या होता है कि अगर अ और आ है ना, और प्लस ई और बड़ी ई आ जाए तो वो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, जुड़ने पर परिवर्तन जो आता है संधि करने पर वो क्या आता है कि वो ए बन जाते हैं। ठीक है, तो हम जैसे देखेंगे इधर देखिए है ना कैसे होगा, जैसे कि नरेंद्र, ठीक है नरेंद्र है मामा नरेंद्र। अब हमने इसका क्या किया है, संधि विच्छेद करें। ठीक है, तो ये कैसे होगा, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अब देखिए क्या होगा कि इसमें देखिए कि नर र, तो हम इसका र का अगर वर्ण विच्छेद करते तो क्या आता है, र प्लस अ र है ना, और ये इंद्र है, ये सॉरी ये इंद्र है, तो यहाँ अ और ई है ना, अ और ई मिलके क्या बन गया, ए, ए की मात्रा लग जाएगी, नरेंद्र हो जाएगा, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, अ और ई मिलके ए बन गया। ठीक है, नरेंद्र हो गया, यहाँ पे नर प्लस इंद्र है तो अ प्लस ई मिलके नरेंद्र हो गया। ठीक है, ए की मात्रा बन गई है ना। तो इसी तरह से देखिए आप, महेंद्र राजेंद्र, वही राज प्लस इंद्र है ना, आ और ई मिलके ए बन गया, राजेंद्र हो गया। इस तरह से गुण संधि में अ और आ के बाद अगर ई ई है तो वो ए हो जाता है, और उसी तरह से अगर अ के बाद ऊ है ना, तो वो ओ हो जाता है। गुण संधि में अ के बाद अगर ऊ है तो वो ओ हो जाता है, वो कैसे होता है देखो, अगर अ आ के बाद उ ऊ है, यानी चाहे बड़ा ऊ और चाहे छोटा ऊ, अ और आ, अनार वाला और आम वाले के बाद अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं जब हम संधि करते हैं। जैसे कि देखो आप, चंद्र उदय है ना, चंद्र प्लस उदय। ठीक है, अब देखिए चंद्र, चंद्र का हम संधि विच्छेद करते हैं तो चंद्र, च प्लस अ प्लस न, न के आधा, चंद्र द है ना, द्र प्लस र आ, तो क्या आया इसमें पीछे, आ आया है ना, क्या आया, आ आया, तो अ सर सुनाई दे रहा है हमें है ना, ये अ है और ये उ है। ठीक है, तो ये अ और उ मिलके क्या बन जाएगा, देखिए चंद्रो ओ बन गया, चंद्रोदय ऐसे लिखा जाता है, चंद्रोदय है ना, तो यहाँ पे अ और उ मिलके अ, इधर का अ है ये है ना, क्योंकि हमने इसका वर्ण विच्छेद किया है ना, ये इधर का अ है, तो अ और उ मिलके क्या बन गया है, चंद्रोदय बन गया है। ठीक है, इसी तरह से महा उत्सव है ना, महा प्लस उत्सव, तो इसमें देखिए यहां ह के बाद आ सुनाई दे रहा है, आ
महा प्लस और ये उ है, दोनों ये दोनों ये स्वर हैं। इधर आ सुनाई दे रहा है, ये आ, आ और उ दोनों मिलके क्या बन गए, ओ महो महोत्सव, क्या बन गए, ओ बन गया। आ और उ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया। आगे समझ में? तो ये हमारी गुण संधि का था कि अगर अ और आ के बाद ई और बड़ी ई आता है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, और अगर अ और आ के साथ उ और बड़ा उ आता है तो ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कि अगर अ आ के बाद ऋषि होता है ना, ऋषि होने पर अर बन जाता है, क्या बन जाता है, अर, क्या है ना, कि अ और आ और आ के साथ अगर ऋषि होता है तो वो अर बन जाता है। अ और आ प्लस ऋषि मिलाते हैं तो वो अर बन जाता है। देखिए कैसे बनेगा, आपको बताती हूं मैं कि ऐसे बनेगा यहाँ पे कि जैसे राजर्षि, ठीक है, राज प्लस ऋषि, ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखिए राज तो ज प्लस अ है ना, इसमें ज को अलग ऐसे वर्ण विच्छेद करेंगे ज का, तो ज प्लस अ, तो यहाँ अ प्लस और ये ऋषि, ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, राजर्षि, सुनाई क्या देता है हमें, राजर अर, अर सुनाई देता है, तो वो क्या बन जाएगा, राजर्षि, राजर्षि बन जाएगा इस तरह से, राजर्षि है ना, अर सुनाई दे रहा है हमें, राजर्षि, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से सप्त प्लस ऋषि, तो त के बाद आ है और आ और ऋषि मिलके सप्तर्षि है ना, इसी तरह से ब्रह्मर्षि है ना, राजर्षि, वर्षा ऋतु, इस तरह से। आगे समझ में? तो क्या होता है, गुण संधि में हमने पढ़ा पहले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है कि जैसे जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं, प्लस होके भी अगर दूसरी तरफ भी ह्रस्व और दीर्घ स्वर है तो वो दीर्घ संधि बन जाते हैं, है ना, जैसे कि अ प्लस अ आ, अ प्लस आ आ, आ प्लस अ आ, है ना, ई छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, है ना, छोटी ई प्लस बड़ी ई वही बड़ी ई, है ना, इस तरह से मिलते हैं और इस तरह से शब्द बन जाते हैं, संधि हो जाती है। उसी तरह से उ में भी वही होता है ना, ई में भी अ में भी उ में भी, तो यह हो गया हमारा दीर्घ संधि। फिर गुण संधि में क्या होता है, अ और आ के साथ अगर ई और ई को मिलाया जाता है, छोटी ई और बड़ी ई को, तो ए बन जाता है, और अगर आ जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, महेंद्र, देवेंद्र, राजेंद्र, है ना, नरेंद्र पढ़ा था ना, तो अ प्लस ई मिलके ए बन गया, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, र आ, अ और ई मिलके ए, नरेंद्र, है ना। उसी तरह से अ और आ के बाद अगर छोटा उ और बड़ा उ तो ओ बन जाता है, जैसे कि महा प्लस उत्सव, तो महा का आ और उ दोनों मिलके महो, हो बन गया महोत्सव, है ना। और उसी तरह से ऋषि, अ और आ के बाद अगर ऋषि होता है तो वो अर बन जाता है, राजर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, इस तरह से बन जाता है। ठीक है, आगे आपको समझ में ये दीर्घ संधि और गुण संधि। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, देखो कि अब देखिए, इसलिए ये स्वर संधि में है सारे, क्योंकि इनमें सिर्फ स्वरों का मेल हो रहा है, चाहे वो गुण संधि में भी स्वरों का ही मेल हुआ है, अ आ ई ई उ इन्हीं का ही मेल हुआ है ना, अ के साथ ई का मेल हुआ है और आ के साथ ऊ का, ऊ दोनों ऊ का मेल हुआ है, आ के साथ ऋषि का मेल हुआ, और ये सब क्या है, स्वर है, तो ये स्वरों का ही मेल हो रहा है, इसलिए स्वर संधि के भेद है ये, है ना। तो अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे अब तीसरी स्वर संधि का तीसरा भेद, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है बच्चों, कि जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो,
तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए और ए ओ औ आए मिलकर ए और ओ हो जाते हैं, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, कि जब पहले शब्द के अंत में, जैसे हम संधि करते हैं है ना, तो पहला शब्द है उसके अंत में अगर अ और ए आए तो वो ए बन जाता है। ठीक है, और सॉरी, जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो, ठीक, और दूसरे शब्द के आरंभ में ए और ए हो तो वो क्या बन जाता है, ओ और औ मिलकर ए बन जाता है। देखिए कैसे बनता है, जैसे कि अ प्लस ए ए बन जाता है, कैसे बनेगा, अ प्लस ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक प्लस एक तो क्या बन गया, एक एक। ठीक है, क्योंकि इसका में आ है, क प्लस आ हलन है ना, ये तो ये और आ प्लस ए मिलके क्या बन गया, ए बन गया। और जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक ए है ना, एक ए। और इसी तरह से सदा प्लस ए, ठीक है, तो सदा सदा प्लस ए। अब देखो सदा इसमें आ है, द में आ सुनाई दे रहा है, सदा आ सुनाई दे रहा है, आ और ए मिलके क्या बन जाएगा, आ और ए मिलके भी ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा। तो कैसे लिखा जाएगा इसको भी, सदैव। ठीक है, इस तरह से, तो ये वृद्धि संधि है। इसी तरह से अगर इसमें देखो वन औषधि, तो वनौषधि है ना, इसमें अ और ओ मिलके औ बनता है। कैसे, कि जैसे देखिए ये है आपका वनौषधि, वन प्लस औषधि। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, देखो अ प्लस ओ, अ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ओ, औ, औ बनेगा है ना। तो ये वन औषधि, तो वन में आ ना हलन प्लस आ, तो ये आ वन है ना, तो ये आ स्वर है और ओ, तो अ और ओ मिलके औ बन जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, वन औषधि, वन औषधि, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वृद्धि संधि, कि अ और ए मिलता है तो ए बनता है। ठीक है, और अ और ओ मिलते हैं तो औ बनता है, इस तरह से। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लेंगे बुक में तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फिर है हमारे यण संधि, यण संधि में बच्चों देखो क्या होता है, कि यण संधि में जब ई छोट बड़ी ई है ना, और छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और ऋषि के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व, और ऋषि का र हो जाता है, इसे हम यण संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कि देखिए ई और ई य बन जाता है, ई और ये वाली ई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा है ना, और उ और आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, व बन जाएगा है ना। तो देखिए अभी कैसे बनेगा, जैसे इति आदि, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। ठीक है, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। अब देखिए इति, इसमें हमें छोटी की मात्रा सुनाई दे रही है, त में इति प्लस आ है ना, तो मिलके क्या बन गया, य बन गया है ना, क्या बन गया, सॉरी ई प्लस आ मिलके य बनेगा है ना, तो इति ई प्लस आ मिलके क्या बन गया,
या बन गया और वो हम क्या कह रहे हैं उसको इत्यादि, ठीक है। और इसी तरह से अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक तो ई और आ मिलके अत्यावश्यक बन जाता है। बुक में देखिए आप, इति तो ता की छोटी ई आ जाएगी है ना, और आ मिलके दोनों और क्या बन जाएगा, अत्यावश्यक या बन जाएगा, जबकि इसमें कहीं या नहीं है, आ है ना, लेकिन यहाँ पे जब हम संधि करेंगे तो वो या बन जाता है ना, ई और आ मिलके या बन जाता है, तो अत्यावश्यक बन जाता है। इसी तरह से उ प्लस आ मिलके वा बन जाता है, जैसे कि स्वागत है ना, सु प्लस आगत, तो उ और आ, स का उ और आ मिलके क्या बन गया, वा बन गया, स्वागत है ना, इस तरह से संधि होती है। तो ये हो गया हमारा यण संधि। अब देखिए हम आते हैं अयादि संधि पे। अयादि संधि में बच्चों क्या होता है कि जब ए और ए के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का अय और ए का आय हो जाता है, ठीक है। जब ए और ए के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है और बड़ी बड़े ए का ऐनक वाले का आय हो जाता है। ओ के बाद आप बुक में देखिएगा, अ और औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ओ का आव हो जाता है और औ का आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। ए का अय बन जाता है, अय का आय हो जाता है, ओ का आव हो जाता है, जैसे कि ने प्लस अन है ना, तो ए और अ मिलके नयन हो गया, ठीक है। चे प्लस अन, ए और अ मिलके य बन गया, चयन हो गया, ठीक है। इसी तरह से नायक, तो नए प्लस अक अ मिलके नायक हो गया, आय बन गया है ना, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं व्यंजन संधि पे। तो व्यंजन संधि में होगा हमारा कि अभी तक तो स्वरों का मेल हो रहा था है ना, कि जब इन दोनों के ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, अभी तक हम स्वरों का मेल कर रहे थे, तो ये स्वर संधि के भेद थे पांचों है ना। अब आते हैं हम व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि में क्या होता है बच्चों कि व्यंजन का किसी व्यंजन अथवा स्वर का किसी व्यंजन से मेल होने पर, अभी तक तो स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार आ रहे थे वो स्वर संधि है। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन और व्यंजन के मिलने से, या व्यंजन और स्वर के मिलने से, या स्वर और व्यंजन के मिलने से जो विकार आते हैं वो व्यंजन संधि कहलाती है। स्वर और व्यंजन पता है ना अपने को कि पहले शब्द के लास्ट में अगर स्वर है और दूसरे शब्द के फर्स्ट में अगर दोनों मिलेंगे स्वर और व्यंजन, तो व्यंजन संधि होगी। अगर फर्स्ट शब्द के अंत में व्यंजन है और दूसरे शब्द के शुरुआत में स्वर है तो भी व्यंजन और स्वर के मिलने से व्यंजन संधि होगी। और अगर व्यंजन व्यंजन मिलेंगे कि फर्स्ट शब्द के अंत में व्यंजन है ना, तो व्यंजन संधि होगी, ठीक है। देखिए आप कि दिक् दर्शन, व्यंजन व्यंजन मिल रहे हैं, इधर फर्स्ट शब्द के अंत में भी व्यंजन है और सेकंड शब्द के शुरू में भी व्यंजन है। जैसे कि दिक् दर्शन, क हलंत लगा हुआ है तो वो व्यंजन ही है, उसमें स्वर नहीं लगा हुआ है क्योंकि अ नहीं लगा हुआ है, उसमें नीचे हलंत ही है खाली है ना, उसके पीछे अ नहीं है तो इसलिए हलंत नहीं है, तो वो व्यंजन है, ठीक है, उसमें स्वर नहीं है। और दर्शन, द अपने आप में व्यंजन है, दोनों व्यंजन मिलके क्या बना, दिक् दर्शन, तो क और ग मिलके है ना क्या हो गया, दिक् दर्शन, तो दिक् दर्शन बन गया, क का ग बन जाता है, इसमें वर्ग का पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वर्ग का पहला वर्ण है ना उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ठीक है, दिग् दर्शन। अब देखिए आप दिगंबर, दिग् प्लस अंबर, दिगंबर, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। फिर है हमारा छह संबंधी नियम। छह संबंधी नियम में देखिए, यदि किसी स्वर के बाद छह वर्ण आए तो छह से पहले च वर्ण जुड़ जाता है, जैसे कि संधि प्लस छेद, संधि छेद है ना, विच्छेद है ना, जैसे कि अगर किसी में छ आता है वर्ण तो क्या होता है, उसमें च लग जाता है। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए
तो उससे पहले छ से पहले च वर्ण जुड़ जाएगा, जैसे कि ये विच्छेद है, ठीक है, हमने ये विच्छेद लिखा। इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा कि वी प्लस छेद, है ना, वी प्लस छेद। अब क्या होगा कि ये, हाँ क्या कहा है कि स्वर के बाद अगर छ आए तो उससे पहले च लग जाएगा, तो वो विच्छेद हो जाएगा, विघे हो गया, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अनुच्छेद, है ना, अनु अनु उ प्लस छे, छ है तो छ के पहले आधा च लग जाएगा, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से म संबंधी भी कुछ नियम है कि म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक के अनुस्वार बन जाता है, जैसे कि वांग्मय, षटमास, है ना, अपमय, इस तरह से। फिर म के बाद यदि र र ल व श श व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस वत संवत, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस युक्त संयुक्त, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आप, यदि म के बाद रा हो तो म का म ही रह जाता है, जैसे कि सम्राट, है ना, सम प्लस राट तो सम्राट, इस तरह से साम प्लस राज्य साम्राज्य, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब आएंगे हम विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार, जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसे कि विसर्ग का ओ हो जाना मनोहर, मनह प्लस हर मनोहर, मनह प्लस ज मनोज, पयह प्लस द पयोध, पयह प्लस धर पयोधर, मनह प्लस रथ मनोरथ, इस तरह से, तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है। विसर्ग का र हो जाना, जैसे दुह प्लस गुण दुर्गुण, निह प्लस धन निर्धन, निह प्लस बल निर्बल, निह प्लस जल निर्जल, दुह प्लस आत्मा दुरात्मा, दुह प्लस बल, ये हमें शब्द पढ़ने और देखने पड़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये वाले शब्द विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार होता है, तो यहाँ पे विसर्ग है मनह प्लस हर, तो हर ह क्या है व्यंजन, अब विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है तो ओ बन जाता है ना, इसी तरह से र भी बन जाता है, इसी तरह से श भी बन जाता है, निह प्लस चल निश्चल, है ना, निश्चल निश्चल निश्चय, दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र, इसी तरह से विसर्ग का स भी बन जाता है, निह संतान निस्संतान, नमः प्लस ते नमस्ते, निह प्लस तार निस्तार, निह प्लस तेज निस्तेज, इसी तरह से विसर्ग का षटकोण वाला भी बन जाता है, जैसे कि दुह प्लस कर दुष्कर, निह प्लस पाप निष्पाप, निह प्लस कपट निष्कपट। विसर्ग का लोप होना, जैसे कि देखिए विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे कि निह प्लस रोग नीरोग, है ना, निह प्लस रव नीरव, निह प्लस रस नीरस। विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे कि जैसे विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर होता है ना, आ हो तो नहीं होगा लोप, अगर है तो लोप हो जाएगा, जैसे ए अतः प्लस एव अतेव, ततः प्लस एव ततेव। विसर्ग में परिवर्तन ना हो तो अंतः प्लस करण अंतः करण, प्रातः काल प्रातः काल, ठीक है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा ये पाठ पूरा हो गया है, और किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है तो हम इसको लाइव क्लास में दोबारा से पढ़ लेंगे, ठीक है।